हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशाज किचन। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट भी अमेजिंग होता है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमने 15 से 20 ग्राम भुनी सेवई ले लिया है और आधा कप हम इसमें मिल्क मीट डालेंगे और 10 ग्राम बादाम जिसको हमने सोक कर लिया था, 10 ग्राम चिरौंजी, 10 ग्राम काजू, 2 चम्मच किशमिश के और 2 छुहारे लिए हैं इसको भी हमने सोक कर दिया था, 10 ग्राम पिस्ता, 4 इलायची शक्कर के साथ हमें पीस लेना है छिलका उतार के, और ये केवड़ा है ये 4 बूंद डालने वाली हूँ मैं। आपको पसंद आए तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ये दूध मैंने पहले से चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। 1 लीटर दूध लिया है हमने और इसको हमको तब तक पकाना है जब तक ये 3 पाव तक ना हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा। इसको ऐसे हिला हिला करके अच्छे से बना लेंगे। गाढ़ा करने के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। अब हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम 1 चाय के चम्मच इतना घी डालेंगे और फिर जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें बादाम डालते हैं और इसको भून लेते हैं। इसको बहुत हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसका पानी सूख गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे और काजू डालेंगे, इसमें पिस्ता डाल देंगे, इसको भी हल्का भूनेंगे। अगर इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो हमारा शीरखुरमे का कलर भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको हमको बस इसका कच्चापन निकालने के लिए इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। थोड़ा सा घी डाल के अब हमने जो छुहारे रखे थे उसको पतले पतले काट लिए हैं, उसको डाल देंगे। चिरौंजी डाल देंगे, चिरौंजी को धुल करके इसका छिलका निकाल लेना है हमें। और हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पहले से सोक करने रखे थे इसलिए इसका छिलका आसानी से उतर गया। इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। किशमिश डाल देंगे, किशमिश को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी जल जाती है इसलिए इसको थोड़ा ही फ्राई करेंगे। इसके बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसका पानी सूख गया है, अब इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। अब हम पैन में थोड़ा घी डाल करके जो भुनी हुई सेवई थी उसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे। सेवई फ्राई हो गई है, अब दूध को हम देख लेते हैं। दूध भी हमारा तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है शीरखुरमे का। इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए गाढ़ा होके कम हो गया है, अब इसमें सेवई डाल देंगे। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने तले हुए थे उसको डाल देंगे और इसको चला देंगे अच्छे से। फिर ये आधा कप कंडेंस मिल्क इसमें मिला देंगे। इसमें शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो कंडेंस मिल्क है इसमें खुद ही शक्कर रहती है, इसमें बहुत हल्की शक्कर पड़ती है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शक्कर और इलायची पीस के मिला सकते हैं। आधा कप शक्कर को आप पीस करके इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैंने जो इलायची पीसा था शक्कर के साथ वो है खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो आप डाल दीजिए, वो भी चल सकता है। देखिए अब दूध जो है उसको पकने के लिए रख देंगे और ये
पकने लगा है, अब इसमें उबाल आ गया है और ये सेवई भी अच्छे से इसकी गल गई है। ड्राई फ्रूट्स भी सारे मिल गए हैं और अभी से ये कितना अच्छा दिख रहा है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा ईद में, ये ईद और बकरीद में ज़रूर बनती है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं खाना। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी दूध गाढ़ा हो गया है। फिर सेवई भी इसमें पक गई है। अब मैं केसर और दूध को मैंने डिसॉल्व करके रखा था उसको इसमें मिला देंगे। केसर मिलाने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब केसर डिसॉल्व होगा धीरे धीरे, वैसा इसका हल्का पीला कलर आ जाएगा। केसर डाल करके हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है ताकि इसमें उसका सारा एसेंस आ जाए। इसको हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास केसर होगा तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हमारा शीरकुरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल देंगे। अगर आपको केवड़ा की स्मेल नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। केवड़ा डाल करके हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका कलर खिलकर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। और कुछ लोग इसको फ्रिज में ठंडा करके खाना पसंद करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका शीर खुरमा कैसा बना, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आयशाज़ किचन।